जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आपको बताता हूँ आईपी रेटिंग की सच्चाई, प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको मैं। ये एक कस्टमर का फ़ोन है, एक लड़का है, यंग लड़का, और ये आज सुबह ही गए थे स्विमिंग पूल स्विमिंग करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे लड़के ने बताया कि भैया मेरे दोस्त ने है ना पानी में फेंक दिया, ये कह के कि ये वाटर प्रूफ फ़ोन है N55 नार्जो का, ये वाटर प्रूफ नहीं है, मोबाइल होता ही नहीं है वाटर प्रूफ। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, तो टाइम हुआ है 4:57, मतलब 5 बज चुके हैं, ये सुबह 10 बजे करीब की घटना बता रहा है ऐसा। अभी तक इसमें डिस्प्ले आ रही थी, अब इसकी डिस्प्ले आनी बंद हो गई है और खाली वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन खाली वाइब्रेट हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रही इसकी। ठीक है, मैं इसका बटन दबा रहा हूँ, देखो नहीं नहीं आ रहे डिस्प्ले। उसने ये चीज़ बताई कि भैया फ़ोन गिरा है और स्विमिंग पूल में बस गया, मैंने एकदम से निकाल लिया है। अब देखते हैं इसके अंदर ये कैसी आईपी रेटिंग होती है भाई, आज खोल के देखेंगे फ़ोन, तुम्हारा भाई आज फ़ोन खोल के बताएगा। इसका जो बैक कवर होता है ना, इसका प्लास्टिक का होता है, पॉलीकार्बोनेट जिसे बोलते हैं। देखो दोस्तों, पानी इसके ढक्कन पे भी लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आईपी रेटिंग वाला फ़ोन है ये। तेरा 2 मिनट में खोल देता हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। ढक्कन के अंदर तो पानी लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके मदरबोर्ड में पानी जा चुका है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, लड़के ने देरी क्यों कर दी मेरे पास लाने में मोबाइल फ़ोन, उसने क्या किया, उसने चावलों में रख दिया मोबाइल। कह रहा भैया मैंने सुना था चावलों में रखने से पानी सूख जाता है, मैंने चावलों में रख दी, क्योंकि मैंने उसको डांटा था थोड़ा सा, मैं कहा भाई 10 बजे का फ़ोन गिरा हुआ है, तुम अब लेके आ रहे हो मेरे पास, तो भाई अब तो ये ख़त्म हो गया। तो कह रहा कि भैया मैंने चावलों में रख दिया था, इस वजह से नहीं ला पाया मैं, चावलों में रखा कि कहीं पानी सूख जाएगा, अनु का चल भी रहा था, डिस्प्ले भी आ रही थी इसकी, अभी जस्ट इसकी डिस्प्ले गायब हो चुकी है। और अब मैं है ना ये फ़ोन सीधा आपके सामने खोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले इसकी सिम निकाल देता हूँ, सिम के अंदर भी पानी जा चुका अच्छे तरीके से, देखो है ना। ये होते हैं आईपी रेटिंग वाले फ़ोन भाई, इनके चक्करों में मत पड़ा करो यार, ये कंपनी वाले जो इनके मार्केटिंग स्टंट होते हैं ना, ये आईपी रेटिंग दिखा दिखा के वाटर प्रूफ फ़ोन है, किसी भी एक्टर को दिखा देते हैं, नहीं गिरा के दिखाते हैं पानी में भिगो के भाई, क्योंकि कंपनी वाले ना, मैं सही बताऊँ, ये खुद यही चाहते हैं कि कस्टमर फ़ोन खरीद ले उसके बाद है ना उसे पानी में डाल दे, वो पानी में डाल देगा तो भाई हमारे पास आएगा, हम गारंटी देंगे नहीं उसकी। ठीक है, तो गारंटी होती नहीं है इनके सर्विस सेंटर में पानी में जाने की। देखो निशान, देखो दोस्तों, ये आपके सामने खोल रहा हूँ मैं, ये सुबह का पानी गया हुआ, अभी यहाँ पे देखिए वाइट नज़र आ रहा है आपको, ये कार्बन है, मतलब पानी जो सूखने के बाद वाइट फंगस सी बन जाती है ना। अब देखिए बैटरी के पास आपको दिखाई देगा, बैटरी कनेक्टर पे देखिए कितना ज़्यादा फंगस लगी हुई है ना, यहाँ पे देखो आप, फंगस लगी नहीं, ये पानी लगा, आईपी रेटिंग वाला फ़ोन है भाई साहब ये, और देखो ये यहाँ भी पानी लगा, अभी तक पानी लगा हुआ है। चावलों में रखने से कुछ नहीं होता यार, ये पता नहीं कहाँ से किसी ने वीडियो बना दी और भाई वो व्यूज़ आ गए उनके अच्छे, वो खुश हो गए जिन्होंने ये आविष्कार किया था चावलों वाले मत रखा करो, फ़ौरन किसी दुकान पे जाया करो। क्या किस चीज़ की आईपी रेटिंग है ये, देखना यहाँ तक दिखाई दिया ये पानी आपको ना। बारिश के से एक चीज़ बताता हूँ, चलो मैं एक वीडियो बनाऊँगा बारिश में है ना, आपको मोबाइल फ़ोन के साथ कैसे क्या करना है, अपने फ़ोन को आईपी रेटिंग कैसे बना सकते हैं, देसी जुगाड़ बताऊँगा, एक वीडियो देखना ज़रूर, अगली वीडियो बनाऊँगा मैं ऐसी जुगाड़ से आईपी रेटिंग वाला फ़ोन कैसे बनाना, आपको वो काम कर लेना, फिर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है ना पानी नहीं घुसेगा कभी भी। मैं इसके बोर्ड वगैरह की ना साफ़ सफाई कर देता हूँ और देखते हैं इसकी डिस्प्ले चलती है नहीं चलती है। हिसाब से देखो डिस्प्ले के अंदर पानी है, अभी काफ़ी ज़्यादा पानी है और डिस्प्ले इसकी पानी जाने की वजह से ही ख़राब हो चुकी है। इसके अंदर देखो पानी लगा हुआ, पत्ते पे भी पानी लगा हुआ है अभी है ना, चावल वगैरह से कुछ नहीं होता, वो एक बहम हो जाता भाई। देखो फ़ोन जो होता है ना थोड़ी देर तक तो चलता ही है, वो शॉर्ट करना शुरू कर देगा एक एक पार्ट्स को। किसी भी दुकान पे जाओ और फ़ौरन उससे सर्विस करवा लो मोबाइल फ़ोन तो बच जाएगा आपको कम से कम यार। ये देखो दोस्तों मदरबोर्ड के पीछे तक जा रखा पानी भाई। किस चीज़ की आईपी रेटिंग होती है भाई, कुछ नहीं होता, ये कंपनी वाले खुद चाहते हैं कि ये ऐसी ऐड है ना जानबूझ के बनाते हैं कि दिखाओ इनको कि आईपी रेटिंग भाई साहब पानी में गिरा के दिखा। वीडियो की पूरी एडिटिंग होती है वो, पानी में जो फ़ोन गिरा था ना बाहर निकालने के बाद जो दिखाते हैं वो दूसरा फ़ोन होता है और आपको इस तरीके से कट लगा दिया जाता है कि कुछ समझ नहीं आता। डायनासोर की फिल्में देखी होंगी आपने ना, डायनासोर असली होता है, असली कहाँ होता है, नकली का ही तो होता है, वो होता भी नहीं है, वो तो एनिमेशन बना देते हैं भाई साहब। ऐसे ही एनिमेशन बना के ना आपको बना दिया जाता है, हमको एनिमेशन बना के ना। सॉरी पंखा बंद कर रखा, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँच जाए इसके लिए। इसकी डिस्प्ले भी निकालनी पड़ेगी भाई, डिस्प्ले के अंदर पानी जा चुका है, इसको थोड़ा गर्म करके ना कोशिश करता हूँ करने की। पहले तो मैं देखो इसे पेट्रोल से साफ़ करता हूँ, गर्म बाद में करेंगे, पहले पेट्रोल से इसका जो पानी लगा होगा ना, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे पानी लगा था ना उस जगह पे हम पेट्रोल मार देते हैं ना, कैमरा वगैरह निकाल के, ताकि कैमरे पे ना लग जाए कुछ, वरना कैमरे ब्लर हो जाएंगे इसके। फ्रंट वाला कैमरा उसके फ्रंट पर नहीं मारूंगा मैं, टेंशन मत लो, इसको नॉर्मली हम इस तरीके से।
लड़के के दोस्त ने डाल दिया था ये पानी में स्विमिंग पूल में कि अरे कुछ नहीं होता इसके बारे में, मुझे पता है तेरे से ज़्यादा, और ये IP रेटिंग वाला फ़ोन है, इसमें कुछ नहीं होगा, वाटरप्रूफ फ़ोन है। दोस्त ने डाल दिया, दोस्त में नहीं होते ऐसे, कुछ होते हैं शैतानी दोस्त, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है बहुत कुछ। और वो बंदे ने भाई साहब डाल दिया इसको, अब एक बार चेक कर लेते हैं डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही, वरना तो इसकी भैया चेक और चेंज करनी पड़ेगी। सेट तो ऑन हो गया भाई साहब, वाइब्रेट तो हो गया, अगर इसमें डिस्प्ले इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ जानने को मिल गई होगी कि ये IP रेटिंग होती क्या है। जैसे कि ये डिस्प्ले मान लीजिए इसकी है, तो यहाँ पर है ना इस सेंसर पे जब पानी लग जाता है ना नीचे से, तो आपकी डिस्प्ले फूक जाती है, फिर ये जो पार्ट्स होते हैं ना सारे ख़राब हो जाते हैं, और इसके बाद यहाँ से जो पत्ता अटैच होता है ना वो सारी जगह आपकी फिर जंग लगने के बाद ख़राब हो जाएगा आपका पूरा पत्ता। ठीक है, फिर पत्ता ख़राब हो गया तो पूरा फोल्डर ही ख़राब हो गया, फिर फोल्डर में कुछ आएगा ही नहीं, ना लाइट आएगी और ना ग्राफिक्स आएंगे, तो इस कंडीशन में फिर फोल्डर चेंज करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ का, है ना। पानी में जैसे गिरे आप सीधा किसी भी दुकान पे चले जाओ, आप सर्विस करा लो 100-200 रुपए में। बाकी आज की वीडियो इतनी रखते हैं जी, मुझे आपको प्रैक्टिकल दिखाना था, क्योंकि बहुत बार बंदे ये गलतियाँ कर देते हैं पानी में गिरने के बाद, सोचते हैं कि बच जाएगा, अरे चल रहा है मेरा फ़ोन तो चलने दो, नहीं भाई वो धीरे धीरे जो पानी अंदर था अभी दिखाया ना मैंने, जैसे पानी अंदर है धीरे धीरे पानी अंदर रहेगा, और फिर बाद में क्या होगा, वो पानी है ना धीरे धीरे शॉर्टिंग पैदा करनी शुरू कर देगा अलग अलग पार्ट्स में, कभी आपके नेटवर्क में दिक्कत आई, कभी चार्जिंग में, कभी आवाज़ में, किसी ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जरूर। पानी अंदर है तो वो कुछ ना कुछ कुकरम करेगा। यार सब्सक्राइब जरूर करा करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, वीडियोस देख लेते हो, और लाइक भी क्या करो यार। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।